सभी को नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। जैसा कि हम पहले के वीडियोस में भाषा और व्याकरण दोनों चीजें ही पढ़ चुके हैं, तो अब हम किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी सबसे छोटी जो इकाई है वहां से हम शुरुआत करेंगे, यानी हम वर्ण से शुरुआत करेंगे। जैसे कि इंग्लिश में आप अल्फाबेट्स देखते हैं, वैसे ही हम हिंदी में वर्ण पढ़ेंगे। तो आइए हम वर्ण पढ़ना शुरू करते हैं। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्ह होते हैं। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वर्ण जो है वो एक ऐसी ध्वनि है या मुंह से निकली ऐसी आवाज है जिसके और खंडन नहीं हो सकते, यानी जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम कहते हैं वर्ण। तो जैसे कि अगर आप इंग्लिश की बात करें तो आप सेंटेंस पढ़ने से पहले आप क्या पढ़ते हैं? वर्ड्स पढ़ते हैं, और वर्ड्स पढ़ने से पहले आप अल्फाबेट सीखते हैं, यानी ABCD आपको आनी चाहिए। वैसे ही हिंदी में हम वाक्य पढ़ने से पहले शब्द सीखते हैं और शब्द पढ़ने से पहले हम वर्ण पढ़ते हैं, अक्षर पढ़ते हैं, और उनकी ये वर्णों में भी हम आगे पढ़ेंगे स्वर व्यंजन जो भी हैं। ये सब सीखने के बाद ही हम भाषा को अच्छे से लिख और पढ़ सकते हैं। तो वर्ण वह ध्वनि है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, मतलब ये सबसे छोटी इकाई है। बोलने और सुनने में जो ध्वनि है, मतलब बोलने और सुनने में जो ध्वनि लगती है, यानी जो आवाज निकलती है, उसी को हम लिखने पढ़ने में वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि यानी मौखिक भाषा में हम क्या बोलते हैं? ध्वनि। और लिखित भाषा में हम बोलते हैं ध्वनि चिन्ह। ये देखिए चिन्ह कैसे लिखते हैं हम, च चापे छोटे की मात्रा ह और या न बनाते हैं चिन्ह में, ठीक है, हा में ही ना बना देते हैं, तो इसे बोलते हैं चिन्ह। दोनों के लिए होता है। तो वर्ण शब्द का प्रयोग मौखिक भाषा यानी ध्वनि और लिखित भाषा यानी ध्वनि के चिन्ह, चिन्ह मतलब जो भी हम अ आ ई ऊ लिखते हैं इन्हें हम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि आप लिपि पढ़ेंगे जब देवनागरी लिपि, तो वो भी चिन्ह ही है। मतलब किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो हम चिन्ह प्रयोग करते हैं उसी को हम लिपि भी कहते हैं। तो दोनों के लिए इसका प्रयोग होता है। इस तरह वर्ण भाषा के मौखिक यानी बोलना और लिखित यानी लिखना दोनों के रूपों के प्रतीक हैं, यानी दोनों में ही वर्ण का प्रयोग होता है। हम वर्ण बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक शब्द है किला। अब किला जो है वो किन किन वर्णों से मिलकर बना है, किन मात्राओं से बनकर बना है, तो देखिए किला क, इसके नीचे देखिए हलंत भी लगा हुआ है, ये हम आगे सीखेंगे कि ये हलंत क्या होता है। तो क प्लस की मतलब छोटे की मात्रा है, इस पे आप मात्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ल हलंत वाला प्लस आ, ये देखिए ल प्लस आ तो बन गया किला। इनको हमने तोड़ तोड़ के लिखा है, लेकिन ये जो हमने तोड़ तोड़ के लिखे हैं ये वर्ण है और इनके टुकड़े नहीं हो सकते। ये शब्द है किला, इसलिए हमने इसको तोड़ तोड़ के वर्णों में लिखा है, लेकिन वर्णों को हम और तोड़कर नहीं लिख सकते, इसलिए हम वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। तो जिस रूप में हम वर्ण को लिखते हैं उसे हम अक्षर भी कहते हैं। आप कुछ बच्चे अक्षर बोलते हैं, अक्षर ज्ञान, तो इसका मतलब यही है कि आप वर्णों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। जैसे अ आ ई ऊ क ख ग घ, ये सभी हमारे अक्षर हैं जिन्हें हम वर्ण भी कहते हैं। वर्ण भेद, अब वर्ण की हम भेद पढ़ेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको वर्ण के बारे में बताया, अब इसके आगे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे, यानी कि हम वर्णमाला देखेंगे कि वर्णमाला क्या होती है और वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं और स्वर कितने होते हैं, स्वर कौन कौन से तरीके के होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, उन्हें कैसे लिखा जाता है, सब कुछ हम आगे देखेंगे।
तो उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों को दो वर्गों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो अब हम स्वर और व्यंजन को बहुत अच्छी तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं वर्ण विचार में वर्णमाला। तो वर्णमाला सुनकर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वर्णों की माला, मतलब एक माला है जिसमें हमने वर्णों को पिरोया हुआ है, अ से लेकर या तक, है ना, या जहां तक भी आप समझे। तो वर्णमाला हम पहले इसकी परिभाषा समझेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित, व्यवस्थित मतलब एक अरेंज्ड वे में और क्रमबद्ध यानी सीक्वेंस में। तो वर्णों का जब हम सीक्वेंस में लिखते हैं, क्रमबद्ध रूप में लिखते हैं, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला जो है, हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें तो इसमें 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 यानी 52, ओके, जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको देवनागरी लिपि के बारे में भी बताया था कि जो देवनागरी लिपि है वो हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में हम देखते हैं कि कैसे 52 वर्ण, जो 52 वर्ण है उनका हम कैसे उनको लिख सकते हैं, उनकी संख्या हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ देखिए आप स्वर अ से लेकर री तक, री आप कभी कभी बीच में भी लिख देते हैं लेकिन यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। तो अ अ इ ई उ ए अर, इसको ए भी बोल सकते हैं, आई भी बोल सकते हैं, ओ औ री। तो ये कुल मिला के 11 स्वर हमारे हो गए। अंग अह, अंग अह हिंदी में आप देखते हैं कि कभी कभी आपको स्वरों में ही मिलता है अंग और अह, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें हिंदी व्याकरण में तो इनको हम स्वरों के साथ नहीं लिखते, इनको हम अंग को हम अनुस्वार बोलते हैं और अह को हम विसर्ग बोलते हैं, जिसका प्रयोग संस्कृत में बहुत ज्यादा होता है। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इस बारे में हम, लेकिन अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये वर्ण मिलाकर पूरी वर्णमाला में 52 कैसे होंगे। तो ये आप समझ चुके हैं, स्वर जो है वो 11 हो गए हैं, अंक आ 2 हो गए हमारे, ये क से लेकर ख तक ये हमारे टोटल 33 हो गए हैं, 33। उसके बाद ये दोनों, ये देखिए ये अलग से प्रयोग होते हैं और इनका प्रयोग भी मैं आपको बताऊंगी। इनका प्रयोग कभी भी आदि यानी शब्द के बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं होता, ये मध्य में या अंत में ही इस्तेमाल होते हैं। तो इनके बारे में भी मैं आपको लिखाऊंगी। तो ये हो गए 2, फिर छ, त्र, या, श्र, ये संयुक्त अक्षर। अभी मैं इनके नाम भी आपको बताऊंगी कि इनको क्या कहते हैं और इनकी परिभाषाएं, मतलब इनके बारे में भी मैं आपको लिखवाऊंगी, पूरा डिटेल में बताऊंगी। अभी सिर्फ आटा ग्रास आपको देखना है कि वर्णमाला में कैसे 52 वर्ण हुए। तो ये नोट भी आप लिख सकते हैं और ये कैटेगराइजेशन आप लिख लेंगे कि वर्णमाला में 52 वर्ण कैसे हुए।